व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वॉचिंग एशी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं ए ह्यूज प्रोटेस्ट इन गवादर। क्या सीन है जी? अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड आर्मी क्राइम फिजा खान। तो हमने इस पर एक छोटा सा वीडियो पहले भी किया था। बलोच यकजहती कमेटी जो है, जिसको लीड कर रही हैं डॉक्टर मारंग बलोच, जिनके भाई और फादर का कहा यह जाता है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है BLA के साथ, और उनकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। और इसी तरह बलोचिस्तान और पंजाब और KP के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स गायब हुए हैं, कलेक्टिवली इन्हें मिसिंग पर्सन केस कहा जाता है। तो हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में भी ये चल रही है, कोई अभी इसका वो नहीं निकला। एक्चुअल में कोई क्लैरिटी है नहीं ना कि बंदे हैं किसके पास। आर्मी डिनाइल करती है, हमारे पास नहीं है। एजेंसी करती हैं, हमारे पास भी नहीं है। पुलिस करती है, हमारे पास भी नहीं है। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ अपना मौक़िफ़ देने लगी? आर्मी और बाकी सब यही कहते हैं कि जनाब ये लोग भटके हुए हैं, और ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों में, ये वहाँ छुपे हुए हैं और ये गाय बगाय अटैक करते रहते। और 3-4 महीने बाद एक आधा बंदा आता भी है, या उसकी लाश मिलती है, या वो पागल हुआ आता है। तो बलोच एक जाती कमेटी जो है वो सीधा सीधा इल्ज़ाम आर्मी पर लगाती है कि ये सारे बंदे आर्मी के पास हैं, और इनको अगर इन पर मतलब कोई केस भी है, मुकदमा भी है, तो कोर्ट में लेके जाया जाए, ना कि इस तरह से उठा लिया जाए। डॉक्टर मारंग बलोच इसको लीड कर रही हैं, और इस वक्त गवादर, पिशीन और आप कह लें कोयटा के बहुत सारे इलाके जो हैं वो बंद हैं। देखते हैं 3-2-1 इन। दुश्मन मुसलसल बलोचिस्तान में आग भड़काने की कोशिश में है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों पर हमला कर दिया। इस टाइम अगर बलोचिस्तान की बात की जाए, खास तौर पे बलोचिस्तान के सिटी कोयटा की बात की जाए, वहाँ पे बकायदा तौर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। उनको ये नहीं पता कि वो जिन आकाओं के गुलाम है, बलूच ने उनके खिलाफ भी जंग लड़ी है। देख रहे हो आप, वो जिन साम्राज्यिक कुव्वतों के तलवे चाटते हैं ना, बलूच ने उनको वो मुंह की खाए दिलाई है। लेकिन बदकिस्मती से कह लें, बलूचिस्तान की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इत्तसला होना ही था। लाखों की संख्या में लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें लोग खुले आगे आ गए, जिसमें वायलेंस हुआ। लेकिन बलूचिस्तान में वायलेंस आज से नहीं, 76 साल से चल रहा है। शुरू से ही चल रहा है। हुआ उसकी जिम्मेदारी कोयटा पुलिस, कोयटा इंतजामिया और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी पे आए होगी। बलोच यकजहती कमेटी की आड़ में जो मार्च किया जा रहा था, इसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ पूरे सूबे में बदअमनी की आग भड़काना था। तो एक बड़ी जंग किसी सूरत हाल पैदा हुई हुई है इस वक्त बलूचिस्तान में। खुद मस्तूंग में एक वाकया भी हो गया, जहां पे FC ने मुबैना तौर पे फायरिंग की मुश्तहिल मुजाहिरीन पे, जो लोग ग्वादर की तरफ जा रहे थे। इस वक्त इस तरह के वाकयात का पाकिस्तान में होना आपको क्लियरली नजर आता है कि भारत इससे ये फायदा उठाना चाहता है कि दुनिया की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबजूल की जाए। ये इंडिया नहीं कर रहा, हमारे अंदर से लोग कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ। इंडिया जो है ना, इस वक्त पूरी दुनिया में आप जो इंटरनेशनल मार्केट, उसमें अपनी पोजीशन बनाई हुई है। दावा ये किया गया है ये पूरा मार्च है, लेकिन मुसल्ला दहशतगर्द मार्च के शुरका के साथ सफर करते हुए बकायदा देखे गए हैं। ये लगता है कि जो भारत किसकी बात 2014 में पाकिस्तान को सजा देने का जो मंसूबा शुरू कर रखा था, उसमें अभी आने वाले दिनों में मजीद तेजी देखने में आएगी। यानी वो घुटनों के बल पाकिस्तान को लगाना चाहते हैं। सही पकड़े हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। हमारा खून इतना सस्ता है, हमारा खून नाक जो है बहाया जाता, जैसे पानी बहाया जा रहा हो, गाजर मूली की तरह हमें काटा जाता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, लेकिन बात घबराने वाली है।
असली खबर जो होती है वो दब जाती है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर जो चल रहा है उसको दबाने की पूरी कोशिश की। मैं जानता हूँ तांडव मचा हुआ है ग्वादर पोर्ट के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर, और इस तांडव को लीड कर रही है मेहरान बलूच। आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले बलूचिस्तान से जितने भी आज तक लोग मिसिंग हो गए थे, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है, उसको लेके इस्लामाबाद में धरना भी दिया था, 2 महीने तक बैठी रही, लेकिन कोई सुनवाई तो होने से रही, क्योंकि उनको गायब करने वाली पाकिस्तान की आर्मी थी, पाकिस्तान की लीडरशिप थी, तो कहां से उनके नाम पते मिलते हैं। तो थक हार के बिचारी अपने घर चली गई। इन्होंने अब की यार बहुत बड़ा मार्च किया है ग्वादर के अंदर। पाकिस्तान की आर्मी जितनी भी बसें जा रही थी, जितने भी लोग जा रहे थे, उनको सबको रास्ते में ही रोक दिया, और यहां तक कि उन्होंने गोलियां भी चलाई है। इस बात को पाकिस्तान ने दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बात अब बलूचों के नाक तक आ चुकी है। 75 साल से मुसलसल पाकिस्तान की आर्मी बलूच लोगों पे अत्याचार करती आई है। बलूच लोगों के घरों के अंदर ज्यादातर मर्द ही नहीं है, जितने भी मर्द होते हैं, जिनको भी लगता है पाकिस्तानी आर्मी को ये हमारे खिलाफ जा सकता है, उसको गायब ही करा देते हैं। मिलते ही नहीं है बंदे, और मिलते भी है तो बोरे के टाट में मिलते हैं, यानी कि मरे हुए। तो बलूचिस्तान के अंदर एक बार फिर से आजादी की लहर जोर शोर से उठ रही है, और पाकिस्तान की आर्मी इसे जूते के तलवे के नीचे दबाना चाहती है। लेकिन मेहरान बलूच है, छोड़ेगी नहीं पाकिस्तानियों तुम्हारे को। और आपको पता है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा करने के तो किंग है किंग। इनको अवार्ड मिलना चाहिए, हिलाले पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड है, अच्छा वो पाकिस्तानियों को मिल जाना चाहिए। इनके घर के मसले इनसे संभलते नहीं है, और इल्जाम किस पे लगाते हैं? भारत। इनको लगता है मोदी कर रहा है, अजीत डोवाल कर रहा है। ये तो रॉक इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो अफगानिस्तान की जानिब से हो, ईरान की जानिब से, वो एस्टैब्लिश्ड है। और इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी, हमारे जो परमानेंट मंदूब है यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब, उसके अंदर भी एक डोजियर जमा कराया गया था। तो TTP के साथ उसके लिंक हो या BLA के साथ लिंक हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सिलसिले में अजीत डोवाल जो इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो इसमें मुख्तलिफ औकात के ऊपर अपने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। हाँ देखें जी, अजीत डोवाल क्या कहते हैं और उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं। बात यह है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, प्रिंस ऑफ कलात हों, स्विट्ज़रलैंड में वो अपनी मूवमेंट चलाई खड़े हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो उनकी कलात की सल्तनत थी उसको धोखे से हथियाया गया था प्रेशर डाल के। इसी तरह ग्वादर की बहुत सारे ऐसे मकामी लोग हैं जो ये कहते हैं कि पूरे का पूरा शहर ग्वादर पोर्ट जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया है चाइना को विदाउट देयर कंसेंट, और यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसी तरह ग्वादर एक मिनरल रिच जो है वो प्रोविंस है, पाकिस्तान की सारी जो नेचुरल गैस है वो ग्वादर कह रहा हूँ बलूचिस्तान से ही आती थी। और जो अलमिया था वो ये कि बलूचिस्तान में होने के बावजूद बलोचों को ही गैस नहीं मिलती थी, तो वो हमेशा एक नफ़रत का एलिमेंट पाया जाता है उनके अंदर पंजाबियों को लेके। और हम इस तरह के केसेस भी देखते हैं कि बाकायदा आइडेंटिफाई करके जो पंजाब से मजदूर वगैरह जाते हैं, क्योंकि देखें जो ब्यूरोक्रेट या वो होते हैं उनके साथ तो सिक्योरिटी कॉन्वॉय होते हैं, जो आम शहरी होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है उनके आईडी कार्ड से कि ये पंजाब का रहने वाला है, और फिर वो चाहे पंजाबी हो या ना हो, मतलब उसकी और भी कोई कौम हो सकती है, लेकिन क्योंकि एड्रेस पंजाब के थ्रू उनको मार दिया जाता है। तो मारंग बलोच ये इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट करती रहीं, इन्होंने कैंप लगाया हुआ था, फिर BYC का इन्होंने मार्च शुरू किया, उनको बड़ी सपोर्ट मिली, PTM वालों ने भी बड़ा सपोर्ट किया था। लेकिन बात यह है कि PTM खुद खटकती है हुकूमती हलकों और एस्टेब्लिशमेंट के उसमें, तो PTM ने जब से इन्हें सपोर्ट करना शुरू किया तो इनका भी नाम उसी लिस्ट में शामिल है कि ये BLA की सपोर्टर हैं। और कई बार मतलब कन्फ्रंटेशन होती रही है, इस बार थोड़ी ज़्यादा हो गई। इस बार ये हुआ कि एक फौजी मारा गया, 16 जख्मी हो गए, इस वजह से जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चलता ही रहता है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना दिखाते नहीं है, तो बहुत सारी आवाम को पता भी नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन्हें पता लग ही जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सेम।